नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में रवि की इन्फोटेक में। आज मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने सिस्टम में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से पहले आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। मैं ऑलरेडी ऑल ड्यूल बूटिंग से हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके जो लॉजिक्स हैं मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताऊँगा। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम इंस्टॉल करेंगे, एक हमें काली लिनक्स का इमेज डाउनलोड करना है। उसके लिए डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है काली लिनक्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे लिखना है काली लिनक्स, सर्च करना है। आपको फर्स्ट लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा www.kali.org। आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे। जैसे ही डाउनलोड पे आपको क्लिक करने के बाद आपको काली लिनक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है 2070.3 का, मैं इसी लेटेस्ट वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। HTTP लिंक्स पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने का, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप टॉरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप डाउनलोड कर लिया है तो आप इसे एक बूटेबल्स पेन ड्राइव बना दीजिए या फिर CD बना दीजिए। आपको बूटेबल्स पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, पावर आयोसक का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसे इसके थ्रू आप बूटेबल बना सकते हैं या फिर आप CD के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। चलते हैं हम इंस्टॉलेशन मेथड्स पे।
चीज़ें बताने वाला था जो ड्यूल बूटिंग का। मैं इसे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे ड्यूल बूटिंग में इसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, इसका जो स्टेप बाय स्टेप जो मेथड है कैसे आप ड्यूल बूटिंग कर सकते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है वो आपको जानना बहुत जरूरत है। आपको पहले ड्यूल बूटिंग का एक लाइव दिखा देता हूँ मैं। ये मेरे BIOS इंस्टॉल ओपन होने के बाद ये लाइनक्स है, जो मेरा ऊपर है ये लाइनक्स का है, काली लाइनक्स, और जो नीचे है ये विंडोज 8 जो एडवांस ऑप्शन में है, जो एडवांस ऑप्शन में है, जो लाइनक्स का 64-bit है। रिकवरी मोड्स ऑन कर सकते हैं, मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं इसका कंसेप्ट बताऊँ आपको। पहले करना क्या है, विंडोज 8 इंस्टॉल करना है। विंडोज 8 इंस्टॉल करने के बाद आप काली लिनक्स का नेक्स्ट ड्राइव में इंस्टॉल करिए, या अगर विंडोज 7 एक्सपी 7, 8, 10 ये सिक्वेंस है, आप इसमें से कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई से भी यूज़ करते हैं तो आप इस पर लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अब आपका ड्यूल बूटिंग चलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, विंडो 8 पे मैंने एंटर किया तो विंडो 8 स्टार्ट हो जाएगा। SD1 में है, मैंने काली लिनक्स स्टार्ट किया तो काली लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसे काली लिनक्स मैंने ऑलरेडी रिस्टार्ट करके दिखाया, तो मैं काली लिनक्स पे एंटर करता हूँ कि मेरे काली लिनक्स स्टार्ट हो गया है। देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया, मैं ऐसे ही यूज़र नेम लिख देता हूँ, एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइन इन। साइन इन करने के बाद मेरा ये लिनक्स ओपन हो चुका है। ये देखिए लिनक्स मेरा ओपन हो चुका है, काली लिनक्स। इसी तरह आप अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।